हरियाणा प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। विधानसभा चुनावी रण तैयार है। हर राजनीतिक दल ने अपने अपने नेताओं को उनके क्षेत्रों से उतार दिया है। उसी तरह बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग एक पर बसे गन्नौर हलके की, तो यहाँ भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में लगे हैं। वहीं हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार भी गन्नौर के मैदान में उतरे हुए हैं और प्रत्याशियों के मन को टटोलने में लगे हैं। इसी के चलते हमारे संवाददाता ने गन्नौर से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सरोज बाला से बात की है। चलिए आपको दिखाते हैं। आइए, आज हम आपको अपनी गन्नौर विधानसभा की आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती सरोज बाला जी से उनके जीवन और राजनीतिक करियर के बारे कुछ बातें आपसे साझा करेंगे और मैडम से बात करते हैं। मैडम, आप किन मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनाव जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर आए हुए? देखो जी, हमारे मुद्दे तो ये हैं, दिल्ली में केजरीवाल ने अच्छे काम करे हैं तो दिल्ली से ज़्यादा हम हरियाणा में करेंगे। पानी, बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल, बच्चों को सरकारी नौकरी देंगे, युवा को आगे बढ़ाने की कोशिश पूरी है हमारी। हम 4 साल से बहुत मेहनत कर रही हूँ, तब दिल से हल्का जुड़ा हुआ है हमारे, तो हम तो यही कहें हैं, अगर जनता का रुझान अच्छा चल रहा है, जनता हमें अच्छा आगे बढ़ाएगी। मैडम, काफ़ी लंबे टाइम से गन्नौर की राजनीति में BST को लेकर चुनावी मुद्दा रहा है, अब वो मुद्दा तो ख़त्म हो चुका है, क्या आप कोई स्पेशल मुद्दा गन्नौर के विकास के लिए यहाँ की या प्राथमिकता के आधार पर किस मुद्दे को लेना चाहोगे? देखो जी, हम तो मुद्दे को ये लेना चाहेंगे, जैसे और पार्टी हैं ये क्या कर रही हैं, झूठे आश्वादे दे रही हैं जनता को, कन्फ्यूज कर रही हैं जनता ने। हमें आगे बढ़ाने की क्या है, बच्चे को सरकारी नौकरी ज़रूरी होनी चाहिए, तो ये झूठे वादे हम मान नहीं देंगे, हम सच्चे वादे करेंगे। मैंने 4 साल से बहुत मेहनत कर रखी है तो हल्के के आश्वासन बहुत अच्छा मिल रहा है मेरे को, तो मैं तो यही कहूँ जनता मेरे लिए अच्छा करेगी, मैं जनता के लिए बहुत गुणा अच्छा करूँगी। क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नीतियों से यहाँ की जनता प्रभावित है? हाँ जी, अरविंद केजरीवाल की नीतियों से यहाँ पर बहुत प्रभावित है, बहुत आदमी जुड़े हुए हैं, सारा परिवार सब हल्का साथ जुड़ा हुआ है, ये अच्छे आगे कदम बढ़ाने की कोशिश हमारी बहुत है। तो हम तो ये कहें, ये लिखते हैं हमारी 75 पार, इनकी 30 पार नहीं होती हैं, ये झूठे आश्वासन कर रहे हैं, तो ये सब देखे हुए हैं, तीनों पार्टी चोर हैं, सबसे अच्छी पार्टी आम आदमी पार्टी है। हाँ मैडम, गन्नौर में काफ़ी लंबे टाइम से कई राजनीतिक पार्टियां BST को लेकर राजनीति करती रही हैं, लेकिन अब वो मुद्दा भी ख़त्म हो चुका है, तो आप अब सबसे मेन मुद्दा गन्नौर का किस प्रकार और कौन से मुद्दे को आप लेकर चल रहे हो? देखो जी, इनको कुछ नहीं कराया है, ये नहीं तो कन्या कॉलेज इनको बढ़ाया है, नहीं कन्या कॉलेज का इन वादा कराया था तो कन्या कॉलेज का कोई पूरा नहीं कराया इनने, हम तो कन्या कॉलेज भी बढ़ाएंगे, आगे बहुत बच्चों को सुविधा देंगे, हमारी नीति बहुत आगे बढ़ने की है, जनता का रुझान भी आगे से बहुत अच्छा चल रहा है, तब हमारा काफिला साथ आगे बढ़ रहा है, तो मेरा तो रुझान आगे से भी यही है, अभी अच्छे वादे होने चाहिए, कॉलेज अच्छे होने चाहिए, उनको पूरा करने के लिए मैडम, पूरा करने के लिए आगे बढ़ाव बहुत होगा हमारा। मेन मुकाबला चुनाव में किस पार्टी और या किस कैंडिडेट के साथ मानते हैं? देखो जी, मैं तो मेन मुकाबला मेरा इसके साथ चल रहा है, निर्मल चौधरी के साथ। भाजपा की तो आज एक आंधी की तरह लहर चली हुई है, क्या आप उसको मानते हो या वो केवल एक झूठी चुनावी जुमला दिया है BJP ने? ये तो जी, BJP ने झूठा जुमला छोड़ रखा है, BJP हो रही है लोगों का, कुछ नहीं है, कन्फ्यूज कर रखे हैं लोग इनने, तो ये झूठे वादे दे रहे हैं, हम अपने सच्चे वादे दे रहे हैं, जनता पढ़ी लिखी है, सब समझा है, ये झूठे वादे इनने 70 साल हो गए देते ने, जनता कन्फ्यूज नहीं हो रही, अच्छी तरिया इनने कन्फ्यूज कर देगी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।